MSITI के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के ज्योमेट्रिकल पार्ट की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं पैराबोला, कि पैराबोला अपन पैरेललोग्राम मेथड से कैसे बनाएं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इंस्क्राइब अ पैराबोला ऑफ बेस 100 मिलीमीटर एंड एक्सिस 50 मिलीमीटर, एक्सिस मेक 70 डिग्री टू द बेस। देखिए, जहाँ एक्सिस का नहीं दिया हो कि कितना डिग्री बना रही है, उसमें तो अपना रेक्टेंगल मेथड बेस्ट है, पर जहाँ एक्सिस में दिया है कि वो 70 डिग्री पे है, तो वहाँ हमको पैरेललोग्राम मेथड से ही करना पड़ता है। मैं सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपको क्वेश्चन इंग्लिश में ही आएगा, तो आपको अगर नहीं समझ में आए क्वेश्चन तो आप वहाँ पर किसी से भी पूछ सकते हैं। आपको बेस दिया 100 mm का और एक्सिस दी है 50 mm की, तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि हम 100 mm का बेस बना लें और 50 mm की 70 डिग्री पे इंक्लाइन एक्सिस बना लें। ये सैंपल है, ये मैं बताती हूँ अपन कैसे बनाएं। देखिए, अपन का कितना था बेस 100 mm का, तो 10 cm की आप लाइन खींच दीजिए, ठीक है। इसका आधा क्या होता है, 10 का आधा 5, तो ये 5 cm में 70 डिग्री पे अपन को एक्सिस अपनी क्या है, एक्सिस है अपनी 5 mm और कितने पे, 70 डिग्री पे, तो हम 70 डिग्री पे ले गए एक्सिस, ये 70 डिग्री हो गई। इसमें हम सिर्फ 5 mm ले गए, तो ये देखिए अपन ने 1 से लिया, ये 70 डिग्री तक गए, हमको सिर्फ 5 mm लेना है, तो हम सिर्फ 5 तक ही लाइन खींचे। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम मेथड है, तब इसके पैरेलल, इसके समानांतर एक लाइन यहाँ खींचेगी और इसके समानांतर एक लाइन यहाँ खींचेगी, या तो आप ये सेट स्क्वायर हो तो सेट स्क्वायर से खींच ले, या रोलर स्केल से खींच ले, या आप सिंपली 70 डिग्री पे इंक्लाइन करके आप सीधी लाइन खींच के 5 mm में कर सकते हैं। जैसे यहाँ से भी अपन ने सपोज 70 डिग्री ले लिया, एक मेथड ये हुआ, ठीक है, तो अपन ने 70 डिग्री पे 5 mm की यहाँ से भी लाइन ले ली। सेट स्क्वायर से अगर आपको करना हो, आपको इससे नहीं करना, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि पैरेलल है, ये अपन ने ये ऐसे रख दिया, इसको इंक्लाइन करने के लिए आपने ऐसे रख दिया, तो सिंपली आप इसको यहाँ से यहाँ तक मूव कर सकते हैं, तो थोड़ा सा नीचे कर लिया जाए। तो जो मेथड आपको ज़्यादा सुविधा लगे आप उससे कर सकते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, फिर आप इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन खींच लेते हैं। अब इन सभी लाइन को अपन लोग दे देते हैं पॉइंट्स, R, S, इसको दे दिया सपोज अपन ने K, V, ये अपना कितना है 70 डिग्री, इसको दे दिया अपन ने N और इसको दे दिया N। अब जैसे अपन क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इनको 5 इक्वल भाग में डिवाइड करेंगे, इसको भी 5, इसको भी 5, इसको भी 5, ये कितने का था, ये 10 mm में, ये 5 mm का था, ये 5 mm का था, ये भी 5 mm का, ये भी 5 mm का, तो 5 mm का 5 इक्वल भाग मतलब एक एक सेंटीमीटर के अपन डिविजन्स ले लेते हैं, ए, दो, तीन, चार, आप कितने भी भाग में कर सकते हो, पर 5 mm है तो 5 इक्वल भाग करना अपने लिए भी आसान है, ए, दो, तीन, चार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे इसको भी अपन ने 5 इक्वल भागों में डिवाइड कर दिया, ए, दो, तीन, चार, ये 1 है तो 1 के बगल वाला 1-2-3-4- ये मार्किंग जरूरी है, ध्यान रखो 1 के बगल में ही 1- होगा, यहाँ 8 है तो यहाँ पे 8- होगा, इसको भी 5 इक्वल भागों में डिवाइड कर दिया, ए, दो, तीन, चार, तो यहाँ 5 यहाँ है, तो ये 5- यहाँ से 4 करें, 5-6-7-8- 8 के बगल में 8-
अब ये चारों पॉइंट और ये चारों पॉइंट को ऊपर वर्टेक्स वी से ज्वाइन कर लीजिए। ये है अपना अगला स्टेप। इसी तरीके से इन चारों पॉइंट को भी ज्वाइन कर लीजिए। वन डैश तक, टू से टू डैश तक 70 डिग्री पे इंक्लाइन लाइन खींचनी है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया अपन रोलर इसके लिए सेट स्क्वायर का यूज करते हैं। ये 70 डिग्री है तो ये ऐसे ही मूव होनी चाहिए। 4 से 4 डैश तक, 4 से अपना 4 डैश तक जाएगी। ये आपका एक पॉइंट मिल गया। फिर 3 से 3 डैश तक, इसी तरीके से यहाँ पे भी एक ये लाइन जाएगी इसके पैरेलल। तो ये है इसके पैरेलल, ये रख लीजिए। 5 से 5 डैश तक, 5 डैश अपना ऊपर है। 6 डैश तक, 6 इसी तरीके से आपको पूरा करना है। अभी देखिए ये अपन के अलग अलग पॉइंट्स मिल गए, अपन इनको नाम दे देंगे। जैसे अपन ने नाम दिया P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8। अब यहाँ से इस सभी पॉइंट को जोड़ते हुए यहाँ तक आएंगे तो आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा। इसे या तो आप फ्रेंच कर्व की मदद से जोड़ लें या फिर आप फ्री हैंड से जोड़ लेते हैं। मैं आपको फ्री हैंड से जोड़ के बताती हूँ। 1, 2, 3, 4 और ये अपना वर्टेक्स। फिर यहाँ से ये है आपका पैरेललोग्राम मेथड से पैराबोला बनाने का तरीका। आपको क्लियर हो? और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। MSITI के YouTube वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। मैं इसका एक क्विक रिवीजन देती हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप समझाकर, जो कि मैंने कॉपी में पहले से ही नोट्स के रूप में तैयार किया गया है। जैसे अपना क्वेश्चन क्या है, एक अपन को पैरेललोग्राम बनाना जिसमें एक्सिस दिया है और 70 डिग्री बेस से बना रहा है और आपका बेस दिया है। तो 100 mm का अपन ने क्या किया, उसको 50-50 mm में और 70 डिग्री में अपन ने एक्सिस बना लिया, वो भी अपन सिर्फ 50 mm मतलब 5 सेंटीमीटर ही बनाए गए। फिर अपन ने इसके पैरेलल लाइन बना दी और इसके पैरेलल लाइन बना दी, ये अपना पैरेललोग्राम बन गया। इसके बाद थर्ड स्टेप है कि इनको इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये ऊपर वाले लाइंस को आपने ऊपर से जोड़ दिया, ठीक है। फिर 1 को 1 डैश से, 2 को 2 डैश से जोड़ते जाएंगे। ये आपका नेक्स्ट मेथड है। तो आपको पॉइंट्स मिल गए P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8। फिर अपन इन सभी पॉइंट को जोड़ देंगे तो हमको ये मिल जाएगा पैराबोला। होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए तो आपको ITI के सारे ही लेक्चर्स के सभी वीडियोस मिलते जाएंगे। थैंक यू।